तो इंग्लिश में ये तीन तरह के देयर होते हैं, देयर देयर देयर, तीनों के साउंड, तीनों की आवाजें एक जैसी हैं मगर मीनिंग बिल्कुल अलग है। आइए समझते हैं तीनों में डिफरेंस है क्या। सबसे पहला वाला जो देयर है, सबसे इंपॉर्टेंट देयर, सबसे पहला वाला देयर दो है, ये एक एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है और एक ये प्रोनाउन होता है, यानी एक एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। देयर मतलब वहां, मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैंने इसका सेंटेंस भी बनाया है, इसका सेंटेंस बनाया, ही इज स्टैंडिंग देयर, वो वहां खड़ा हुआ है, over there, okay, you are going over there, there मतलब वहाँ, एक तो मतलब ये है there का, इसी के साथ साथ there का एक और मतलब है pronoun, there pronoun भी होता है, मौजूदगी की बात करता है, किसकी बात करता है, मौजूदगी की बात करता है, there are 15 chairs in class, class में 15 chairs हैं, there are lots of problem in Karachi, okay, Karachi में बहुत सारी problems हैं, तो there ये वाला THEERE पहला, ये एडवर्ब भी है कि वहां, और एक ये प्रोनाउन भी है यानी किसी चीज की मौजूदगी भी बताता है। जैसे मैंने कहा कि देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन क्लास, देयर आर 15 चेयर्स इन क्लास, तो ये सबसे पहला वाला देयर बहुत ज्यादा यूज में रहता है। दूसरा देयर भी प्रोनाउन की एक टाइप है, THEIR, इसको कहते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव, नाम में एडजेक्टिव आ रहा है तो आप बोलेंगे एडजेक्टिव है शायद, नहीं, ये प्रोनाउन की एक टाइप है, पोजेसिव एडजेक्टिव, क्या बात करता है भाई, बिलोंगिंग की बात करता है, बिलोंगिंग की बात करता है, लिंक बताता है, ओके, देयर, तो ये वाला देयर था वहां या मौजूदगी, और ये वाला देयर है उनका, ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखी है देयर पिज्जा इज गुड, उनका पिज्जा गुड है, देयर पिज्जा, उनकी चेयर्स, देयर चेयर्स, उनके बैग्स, देयर बैग, उनके बैग, तो देयर वहां, देयर मौजूदगी, और THEIR वाला देयर पोजेसिव एडजेक्टिव जो कि बात करता है उनका, उनके, ओके, और तीसरा वाला है कॉन्ट्रेक्शन, दे आर को मिला के क्या बोलते हैं, रिटन में भी और स्पोकन में भी, स्पोकन में भी देयर जैसी आवाज निकलती है और रिटन में भी लिखते ही ऐसे ही है, ये नहीं समझिएगा कि कोई इनफॉर्मल कॉन्ट्रेक्शन है तो लिखने में नहीं आएगा, कोई भी नॉवल उठा के देख लें आपको पता चलेगा कि दे आर लिखने में भी ऐसे ही आता है, तो दे आर को मिला के क्या लिखते हैं, देयर, कॉन्ट्रेक्शन है, जैसे डू नॉट को डोंट, कैन नॉट को कांट, शुड नॉट को शुडंट, इसी तरीके से दे आर को मिला के देयर, जैसे ही इज को हीज, She is को she's, इसी तरीके से they are को मिला के their, तो ये तीन तरह के their हैं, जैसे ये लिखा हुआ example, they are को मिला के their, they're going, तीनों की आवाज़ें एक जैसी निकलती हैं, पहले वाला their वहां या मौजूदगी के लिए, किसी चीज की मौजूदगी के लिए, there is, there are से, दूसरा वाला their उनका, belonging की बात करता है, possessive adjective, pronoun की एक type है, जैसे I, मैं, my, मेरा, इसी तरीके से they, वो लोग, their, उनका, और they are मिला के बोलते हैं, दे आर को मिला के देयर, तो तीनों का साउंड एक जैसा है मगर मीनिंग में, सेंस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ट्राई टू यूज इन योर